सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। माय नेम इज अजय सिडाना एंड आवर टुडेस टॉपिक इज करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब स्टेट मंथ ऑफ जनवरी 2021। सो थोड़े सब दी जो है ख्वाहिश ते थोड़े सब दी जिहड़ी है डिमांड ते आपां जिहड़ा करंट पंजाब दा करंट अफेयर है उहदा एक तरह दा मैनू चौथा पार्ट भी कह सकदा, क्योंकि पहले तीन पार्ट आपां ऐप दे उपर ओबवियसली गल है रेस अकैडमी ऑफिशियल ऐप दे उपर आपां पहले तीन पार्ट जिहड़े है उह कीते होए है, जिंदे च आपां ईयर 2020 दे जिहड़े लास्ट 6 मंथ्स है उहनां दा करंट अफेयर आपां तीन पार्ट दे विच कीता सी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। उह तुसीं अगर हजे तक नहीं देखिआ तां तुसीं देख सकदे हो तुहाडे कोर्स दे विच। फिर अगर आप गल करिए हुण तों, जिवें थोड़े सब दे कहने भी तो कुछ थोड़ा जा मैं भी इहदे ते वर्कआउट किया। सो हुण आप कर रहे हैं कि आप मंथ वाइज पंजाब स्टेट का करंट अफेयर करांगे, जिंदे च आपां पंजाब दी वड्डी तो वड्डी ते छोटी तो छोटी हर एक न्यूज़ जिहड़ी है वह आप करांगे। जनवरी 2021 मंथ का जिहड़ा है वह करंट अफेयर आपां ऐसे एक घंटे के लैक्चर दे विच कर रहे हैं, ऐसे तरह फरदर आपां मंथ वाइज जिहड़ा है वह करंट अफेयर करते रहांगे। ये करंट अफेयर पंजाब के आने वाले हर एग्जाम लई इंपोर्टेंट है, फिर चाहे वह पटवारी का एग्जाम होवे, पीपीएससी का कोई भी एग्जाम, ईवन जिहड़ा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम होएगा उनके लिए भी यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम दे विच लिखिया होंदा है करंट अफेयर ऑफ नैशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एंड जीके स्पैशल जिहड़ा फोकस ऑन पंजाब स्टेट। सो यह चीज लिखी होंदी है, इस एक लाइन दे विच ही बहुत वड्डी जिहड़ा मीन निकलता है कि हर जिहड़ा न्यूज आ रही है वह नैशनल ते इंटरनेशनल लेवल ते दा जो इंपोर्टेंस होंदी है ते है ही है, पंजाब स्टेट नाल उनका की लिंक है, प्लस पंजाब जिहड़ी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट जिहड़ी है वह नवें नवें की इनिशिएटिव लैके आ रही है, पंजाब दे विच अगर कोई नवीं जिहड़ियां अगर आपां कहीए कि कोई अपॉइंटमेंट हुई है कोई मेजर पोजिशन से तो वह की उन्हां उस ते कौन परसन अपॉइंट हुए है, या फिर अगर आपां कहीए कि पंजाब स्टेट नाल रिलेटिड जिहड़ी कोई फरदर कोई न्यू अगर मान लो कोई इनिशिएटिव है या न्यू कोई स्कीम है, तो सारियां चीज़ां आपां मंथ वाइज मंथ आपां इस तरह इस लैक्चर दे विच आपां करांगे। सो अज दा जिहड़ा लैक्चर है वह बेस करेगा जनवरी 2021 दे करंट अफेयर से। सो आई होप थानू ये जिहड़ा इनिशिएटिव है अच्छा लगेगा ते इहनू आपां इसे तरीके नाल कंटिन्यू करांगे। सो गल करदे हां जी अपने सोर्सिज की है, अगर आपां पंजाब दे लैक्चर की गल करिए तां सब तो पहला अपना सोर्सिज है द हिंदू। क्यों? सब तो पहला आपां की करांगे, जिवें मैं थानू हुणे टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखाऊंगा कि पंजाब जिहड़ा है वह नैशनल करंट अफेयर दे विच कित्थे कित्थे रहा जनवरी 2021 दे विच, उह चीज़ आपां करांगे। द ट्रिब्यून जिहड़ी कि पंजाब दीआं न्यूज़ की रही आ उह चीज़ आपां करांगे, पंजाब केसरी ते पंजाब गवर्नमेंट वैबसाइट्स, ठीक है, कुछ न्यूज़ आपां पीटीसी न्यूज़ वगैरह तो भी जिहड़ियां है वह मैं इत्थों लिखियां, सो वह सारियां चीज़ां नूं आपां इत्थे करांगे। टेबल ऑफ कंटेंट की रहेगा अज्ज दे लैक्चर का, दैट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट। सब तो पहला देखो इस चीज़ नूं अज जिवें आपां पंजाब करंट अफेयर कर रहे हैं इहनूं आपां उसे लाइनस ते ही बनाया जिहड़े लाइनस ते आपां डेली तौर ते लेटेस्ट करंट अफेयर का लैक्चर करते हैं, राइट। उहदे च टेबल ऑफ कंटेंट की रहिंदा है, सब तो पहला आपां करदे हां इंपोर्टेंट डेज, इहदे च वी आपां की करांगे, सब तो पहला आपां देखांगे इंपोर्टेंट डेज दे नाल रिलेटिड इवेंट्स। अगर जनवरी की गल कर रहे हैं तो जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज आपां पता ही आपां कित्ते होए आ, तुहानूं पीडीएफ ही नोट्स की सारी दित्ती हुई है। सो उहदे विच किहड़ा किहड़ा दिन सीगा जिहड़े दिन कुछ स्पैशल इवेंट होया जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया या पंजाब नाल रिलेटिड सीगा, वो चीज़ आपां करांगे। फिर करांगे पंजाब एट नैशनल लेवल कोई इंडैक्स रिलीज़ किया नीति आयोग ने या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रिपोर्ट रिलीज़ की या कोई इनिशिएटिव रिलीज़ किया उनके विच पंजाब पंजाब का की पार्ट है वह करांगे। फिर आप आवांगे पंजाब गवर्नमेंट के नवे इनिशिएटिव नवीं स्कीम्स कोई नवे इनिशिएटिव की नवा लॉन्च किया गया, अपॉइंटमेंट्स करांगे, प्लेसिज इन न्यूज़ पंजाब दे विच केड़ियां लोकल प्लेसिज है जिहड़ियां किसी ना किसी कारण लई न्यूज़ दे विच रहियां, इकनोमी न्यूज़ पंजाब दीआं इकनोमी रिलेटिड न्यूज़ जिहड़ियां स्पैशली बाकी एग्जाम्स तां आणगीआं आणगीआं लेकिन पंजाब कोऑपरेटिव बैंक लई मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर पंजाब दी किसी परसनैलिटी नूं अवार्ड एंड ऑनर मिलिया होवे या पंजाब नूं ही पंजाब ने खुद कोई अवार्ड दिता होवे या पंजाब नूं कोई अवार्ड नाल नवाजिया गया होवे उहदे च आपां गल करांगे। दैन मिसलेनियस जिहड़ियां न्यूज़ इहनां दे विच नहीं आ सकियां लेकिन होर जिहड़ियां न्यूज़ है वह सारियां आपां रखियां मिसलेनियस दे विच। सो पंजाब करंट अफेयर कर रहे हैं ईवन आप कैटेगरी वाइज कर रहे हैं तो करके मैं कहूँगा कि दिस इज टोटली अ यूनीक लैक्चर जिहड़ा तुहानू किते होर नहीं मिल पाना। सो इहनू लैक्चर नू ध्यान नाल देखो, एक छोटा जिहा रूल तो नहीं कहूँगा, एक छोटी जी चीज़ कहना चाहूँगा कि लैक्चर दे विच जो जो चीज़ां मैं दस रहा अगर इस लैक्चर नू तुसीं एक कॉपी पेन लैके नाल देखोगे दैट विल बी मच मच बैटर, ठीक है जी, बहुत वधिया होएगा उस चीज़ नाल कि अगर तुसीं जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां क्योंकि काफ़ी न्यूज़ नाल जिहड़ियां रिलेटिड न्यूज़ है ना वह भी मैं तुहानू नाल नाल जिहड़ियां है वह दसदा जाऊँगा। सो तुसीं उहनू अगर नोट कर लोगे बहुत वधिया रहेगा, प्लस
ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਪੀਟੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ अगर आप जनवरी 2021 की गल करिए तकरीबन 8-9 पेजिस के नोट्स हैगे है वो प्रोपर थोनू वो नोट्स एस दी पी डी एफ के नाल ऐप के उपर ही जिहड़े है वो फाइंड आउट होण उथों ही मिलणगे जिथों तुसीं पी डी एफ जिहड़ी है वो डाउनलोड करते हो। ठीक है जी, चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहला इंपोर्टेंट डेज रिलेटिड इवेंट, सो कि डे जिहड़े है जनवरी के डेज थोनू सारे करवाए हुए हैं इंपोर्टेंट डेज ते नैशनल दे विच जिथे जिथे पंजाब इंपोर्टेंट रहा ये दोनों थोनू तुसीं थोड़े जे मैच करने होणगे किहदे नाल जदों आपां जनवरी 2021 का करंट अफेयर बड़ा ही वधिया तरीके नाल कीता होया ते थोनू मंथली पीडीएफ भी दित्ती हुई है। सो अगर कोई थोनू कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लैनी होवे तां तुसीं उस पीडीएफ नू भी लिंक कर सकते हो क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सिज इत्थे जिहड़े है या रिपोर्ट्स जिहड़ियां है उन्हां दा नाम लऊंगा लेकिन डिटेल ज़्यादा नहीं दसूंगा, डिटेल दसूंगा सिर्फ पंजाब दे बारे। ठीक है जी, चलो फिर आपां स्टार्ट कर दिया। सब तो पहला आपां गल कर लिया ईयर 2021 दी। ठीक है, इत्थे सब तो पहला ना मैं आपकी एक बार पिक नू जिहड़ी है ना वो इनविजिबल करदा ताकि आपां पूरा बोर्ड वधिया तरीके नाल आपां यूज कर सकीए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इत्थे चलो हुण आपां चलदे आ जी। सब तो पहला आपां गल करिए फ्रेंड्स ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਈਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਈਅਰ 2020 ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 2020 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2020 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਅਰ 2020 ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗਾ ਈਅਰ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੇਗੀ ਈਅਰ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ RC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 0001 ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ DDO ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਪਰਸਨ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 0001 ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਨ 4.0। ਇਹ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਹਨ 4.0 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਅਰ 2020 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਹਨ 4.0, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2021 ਦੀ, ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 2021। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰਲਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਐਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਥ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡੇ
ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸਿਰਫ 24 ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਲ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਵਨ 890 ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 920 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗਰਲ ਵੀਮੈਨ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਮੈਨ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਵੀਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਫੋਰ ਵੀਮੈਨ ਫ੍ਰੀ ਫੋਰ ਵੀਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 33% ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਇਨ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ 33% ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਕਿ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣਗੀਆਂ 3-tier ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 33% ਆਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 33% ਬਟ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫੋਰ ਫੀਮੇਲ ਫੋਰ ਵੀਮੈਨ ਫੋਰ ਗਰਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 33% ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀਮੈਨਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਗੁਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡੋਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹31,000 ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ 'ਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਜਨਵਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਆਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ
यूथ ऑफ पंजाब, ठीक है जी, यूथ ऑफ पंजाब के तहत की किया गया, पंजाब जिहड़े पंजाबी युवावां नूं चाहे वह शहरी हैगी है चाहे ग्रामीण हैगी है उन्होंने स्पोर्ट्स किट जिहड़ियां है वह डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां, स्पोर्ट्स किट, ठीक है जी। सो ये तुसीं ध्यान रखना है, कैंपेन सीगा यूथ ऑफ पंजाब। इत्थे मेरा थोड़े लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि अगर आप यूथ की गल करिए पंजाब यूथ डिपार्टमेंट, पंजाब यूथ डिपार्टमेंट इन्हें चेयरमैन कौन है, पंजाब यूथ डिपार्टमेंट के चेयरमैन कौन है, तो वह चेयरमैन है जी सुखविंदर सिंह बिंदरा, एस एस बिंदरा, ठीक है जी, ये पंजाब यूथ डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। सो ध्यान च रखना जी, सब तो पहले आप पूरे जनवरी महीने की गल की, फिर आप गल की 12 जनवरी जिहड़ा कि पूरे देश च होंदा नैशनल यूथ डे, पंजाब दे विच वैबिनार ऑर्गनाइज किया गया साइंस सिटी कपूरथला के द्वारा, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया यूथ वास्ते यूथ ऑफ पंजाब। सो वो यूथ ऑफ पंजाब जिहड़ा कैंपेन है उनके तहत शहरी तो ग्रामीण जिहड़े युवा हैगे है उन्होंने क्रिकेट दियां या की है कि स्पोर्ट्स दियां किट जिहड़ियां है वह डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां, उस नाल एक रिलेटिड क्वेश्चन बनता है कि पंजाब यूथ डिपार्टमेंट जिहड़ा है उनके चेयरमैन कौन है। सो वह हैगी है मिस्टर एस एस बिंदरा। नैक्सट गल करते हैं जी 26 जनवरी, 26 जनवरी थोड़ा पता है इंडिया की होंगे रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन जिहड़ा है अपना जिहड़ा कॉन्स्टीट्यूशन है वो मतलब एक्ट के आया सीगा, आप कह लिए वैसे जिहड़ा कॉन्स्टीट्यूशन है वो पूरा तो हो गया सीगा 26 नवंबर 1949 करके 26 नवंबर कॉन्स्टीट्यूशन डे कहते हैं, लेकिन उन्होंने जिहड़ा है इंप्लीमेंटेशन के कदों आया 26 जनवरी। सो 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे होंगे, सो 26 जनवरी जिहड़ा रिपब्लिक डे परेड होंगी है उत्थे हर स्टेट जिहड़ी है जिहड़ी भी स्टेट शॉर्टलिस्ट की जाती है वह आपकी जिहड़ी झांकी प्रस्तुत करती है, आपका टैबल्यू प्रस्तुत करती है, ठीक है। सो इस वारी के जिहड़े टैबल्यू सीगे काफ़ी डिटेल च आप जनवरी महीने की गल की हुई है, आप भी गल की कि टॉप से जिहड़ी है कि स्टेट रही थी, टॉप से रही थी उत्तर प्रदेश उन्होंने राम मंदिर की झांकी, पंजाब गवर्नमेंट की जिहड़ी झांकी सी या पंजाब स्टेट की जिहड़ी टैबल्यू सी दैट वॉज बेस्ड ऑन दी थीम ऑफ 400th प्रकाश पुरब ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, अपने नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी उन्हों का 400वां प्रकाश पुरब, उस थीम के उपर अपनी जी झांकी सी वो ये वाली सी, देखो आ लिखा हुआ है 400वां प्रकाश पुरब ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। इतने मैं थोड़ा एक चीज़ दसदा, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जिहड़ा प्रकाश पुरब सीगा इहदे ते काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े है वो बन सकते हैं, प्लस इतने थोड़ा एक चीज़ नो डाउट आप पंजाब की स्ट्रैटिंग जी के तो सारी ही पढ़नी है, लेकिन तुसीं मेन फोकस करना है गुरु तेग बहादुर जी की एक एक जिहड़ी स्ट्रैटिंग जी के है, क्योंकि इहदे ते क्वेश्चन बनना लाजमी है आने वाले एग्जाम्स के, ठीक है। इतने मैं थोड़ा एक चीज दसदा जिहड़ा 400वां प्रकाश पुरब है 400th प्रकाश पुरब, ठीक है जी, उसकी सब तो पहला तो थोड़ा थीम पता होनी चाहिए है, ठीक है। सिर्फ मैं इस झांकी की गल नहीं कर रहा, यह गल तो होगी, ठीक है। अगर आप इसकी सैलीब्रेशन की गल करिए, ठीक है, प्रकाश पुरब की, प्रकाश पुरब की सैलीब्रेशन की अगर आप गल करिए उस सैलीब्रेशन की थीम की है, थीम हैगी है हिंद की चादर, हिंद की चादर, ठीक है जी, हिंद की चादर। इतने एक चीज होर देखो, इतने आ गुरुद्वारा भी फेमस है, ठीक है, फेमस तो वैसे ही है गुरुद्वारा, लेकिन एक गुरुद्वारा भी न्यूज़ के रहेगा क्योंकि ऐसे टैबल्यू के उपर इस गुरुद्वारे की भी झलक दिखाई गई, एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रकबगंज, ठीक है जी। सो थोनू पता है गुरु तेग बहादुर जी का जदों जिहड़ा है उन्होंने कश्मीरी पंडितों के जिहड़े है उन्होंने हक के करके हिंद की चादर किया जाता है, उन्होंने ईवन जिहड़ा है आपका शीश भी समर्पित करता सीगा। सो अगर आप जो उन्होंने शीश की गल करिए उत्थे ही गुरुद्वारा शीशगंज है। अगर आप गल करिए कि उन्होंने जिहड़ा शीश है उसनू भाई जैता जी जिहड़े है वह लैके आए थे आनंदपुर साहिब के विच, तां करके भाई जैता जी मैमोरियल भी बनवाया जा रहा है आनंदपुर साहिब के विच, ये प्लैनिंग के विच है, ये तुसीं ध्यान च रखना है। मैं वारी वारी कह रहा अज के लैक्चर नू ध्यान नाल सुनो, जो इंफॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा बोल के दसूंगा, मैं थोड़ा दस्या कि भाई जैता जी जिहड़े हैगे है उन्होंने मैमोरियल भी आनंदपुर साहिब के विच बनाने की प्लैनिंग हैगी है, ठीक है जी। सो हिंद की चादर इनकी थीम है, तो इनकी सैलीब्रेशन लई पंजाब गवर्नमेंट बहुत ही वधिया कर रही है, जिस तरीके आप पहला थोनू ये चीज़ लास्ट ईयर के पता होएगी कि गुरु गुरु नानक देव जी का जो 550वां साल जो प्रकाश पुरब सीगा उनके भी पंजाब गवर्नमेंट ने किन्ने सैपलिंग लगाए थे, सैपलिंग समझते हो छोटे बूटे जिहड़े होंदे है वो 77 लाख, तो ऐतकी भी यही किया गया है कि जिहड़ा अपना सैलीब्रेशन करनी है 400वां प्रकाश पुरब पूरे साल के जिहड़ा है वो 66 लाख जिहड़े सैपलिंग है वो लगाए जाएंगे,
66 लाख सैपलिंग लगाए जाएंगे किन्ने पिंडां दे विच 6986 विलेजेस दे विच 6986 विलेजेस दे विच जिहड़े है ए सैपलिंग छोटे बूटे जिहड़े हुंदे है ओह लगाए जाएंगे इन्हां दे जिहड़े प्रकाश पुरब दी सैलीब्रेशन वास्ते सो आई होप तुसीं समझ गए होंगे सारी चीज आपां गल कर रहे हां नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी ठीक है जी सो ए सारी चीज उन्हां दे नाल रिलेटेड है जिहड़ी तुहानूं प्रोपर तरीके नाल आनी चाहिए है ठीक है जी। फिर आप चलते हैं जी गल कर रहे हैं 26 जनवरी की तो 26 जनवरी थोड़ा पता है 26 जनवरी को पद्मा अवार्ड्स जोड़े है वो अनाउंस किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं तो इस बारी टोटल 119 शख्सियत सगिया जिन्होंने पद्मा अवार्ड्स दिए गए अगर मैं ब्रीफ दसा तो 7 पद्म विभूषण दिए गए 10 पद्मा भूषण दिए गए तो 102 पद्म श्री दिए गए। ये सारी मैं थोड़ा जनवरी के पीडीएफ दे चुके हाँ उनके कर सकते कर सकते हो कि अगर तुम कला नाम पढ़ना है तो अगर आप पंजाब दे नाल रिलेट की गल करिए पंजाब दे नाल रिलेटिड पर्सनैलिटीज़ की गल करिए पद्म विभूषण ते पद्म भूषण उनके विच किसी भी पंजाब दे नाल रिलेटिड पर्सनैलिटी का नाम नहीं सीगा। अगर आप पद्म श्री की गल करिए तो उनके विच 5 पर्सनैलिटी सीगियां विद फील्ड आप इतने नाम जिहड़े है दिते हुए हैं फस्ट मिस लाजवंती रिलेटिड टू आर्ट्स फील्ड मिस्टर करतार सिंह रिलेटिड टू आर्ट्स फील्ड मिस प्रकाश कौर रिलेटिड टू सोशल वर्क मिस रजनी बैक्टर रिलेटिड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री ते डॉक्टर रतन लाल मित्तल मेडिसिन नाल रिलेटिड। सो ये 5 शख्सियतां सीगियां जिन्हां नूं पद्म श्री नाल नवाजिया गया इस साल दे 26 जनवरी 2021 नूं। सो ये चीज़ तुसीं ध्यान च रखनी है ये सीगा अपना 26 जनवरी नाल रिलेटिड। सो डेज नाल अगर आपां रिलेट की गल करिए तां आपां पूरे दे पूरे जनवरी मंथ की गल की मैं एक बार तुहानूं थोड़ा जिहा रिवाइज़ करवा दां आपां पूरे दे पूरे जनवरी महीने की गल की ठीक है जी या पहला आपां गल की 2020 की जिहड़ा कि पूरा का पूरा साल जाणिया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसपोर्ट सैक्टर ठीक है जी पंजाब दे विच। फिर आपां जनवरी पूरे महीने की गल की जिन्हां नूं आपां समर्पित किया धीआं नूं टू इंप्रूव दी सैक्स रेशो गर्ल सैक्स रेशो इन पंजाब ठीक है जी। सो आपां गल की धीआं दी लोहड़ी की फिर आपां गल की कि कहड़ियां-कहड़ियां मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ हैगियां रिलेटिड टू वीमेन एम्पावरमेंट या टू बेनीफिट दी वीमेन कैटेगरी सो वो चीज़ आपां गल की। फिर आपां गल की 12 जनवरी की जिहड़ा कि नैशनल यूथ डे हुंदा है उहदे ते पंजाब गवर्नमेंट दे की इनीशिएटिव सीगे वो दस्से। फिर आपां 26 जनवरी की गल की 26 जनवरी के आपां गल की कि जो पंजाब की टैबल्यू सीगी वो किंदे ते रिलेट सीगी गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब से उत्थे मैं तुहानूं दस्सिया कि प्रकाश पुरब से की चीज़ा पंजाब गवर्नमेंट कर रही है उहदे नाल रिलेट तुसीं चीज़ करनी है। फिर चीज़ा आपां करनी है कि 26 जनवरी नूं जिहड़ा है पद्मा अवार्ड्स गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किए जाते हैं उन्हां पद्मा अवार्ड्स के विच पंजाब दीआं कीड़ियां कीड़ियां शख्सियतां इनवॉल्व सीगियां उस चीज़ा दी आपां गल की ठीक है जी। हुण आपां चलदे हां जी पंजाब एट नैशनल लेवल ठीक है जी। सो मैं एक मिनट आपका एक मिनट फोटो नूं इनविजिबल करा हाँ जी। सो हुण आपां दोस्तों गल करदे हां पंजाब नैशनल लेवल से नैशनल लेवल से पंजाब कीड़ियां कीड़ियां न्यूज़ के विच रहा सब तो पहला गल करदे हां जी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरैसट रिपोर्ट। सो इत्थे टाइम बचाउण वास्ते मैं इत्थे ही सारा लिख रखे इदां दे ही नोट्स जिहड़े है तुहानूं इस पीडीएफ जिहड़ी इस लैक्चर की पीडीएफ है वह मिलेंगे ऐप के उपर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ये पुरानी रिपोर्ट नहीं है रिलीज जनवरी 2021 ही हुई है लेकिन जिहड़ा डेटा है वो सारा 2019 का कलैक्ट किया गया सो उस तो बाद कंपाइलेशन वगैरह टाइम लगता होंगे डेटा का सो ता करके जिहड़ी रिपोर्ट है वो जनवरी 2021 रिलीज की गई बाय एफ एस आई की है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ए रिपोर्ट का किनवा एडिशन है 16th एडिशन है 16वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। सो अगर आप सिर्फ से सिर्फ इतने गल करांगे पंजाब की वैसे तो अगर थोड़ा याद हो जनवरी के करंट अफेयर के आप इस रिपोर्ट बारे डिटेल गल की कि स्टेट कितने स्टैंड करती है बट इतने आप सिर्फ से सिर्फ गल करांगे पंजाब की पंजाब दे विच अगर आप फॉरैसट कवर की गल करिए इनक्रीज़ होया है 11.63 स्क्वेयर किलोमीटर एज कंपेयर टू असैसमेंट डन इन 2017 के फॉरैसट कवर से 1837 ठीक है जी 1837 सी ते अगर आप 2019 की गल करिए तो अगर आप 2019 की गल करिए 1848.63 ठीक है जी 1848.63 किलोमीटर स्क्वेयर तो कितना इंक्रीज आया 11.63 स्क्वेयर किलोमीटर। अगर आप मैक्सिमम इंक्रीज की गल करिए फॉरेस्ट कवर के मैक्सिमम इंक्रीज होया नवांशहर के ठीक है जी तो हाईएस्ट फॉल किंदे च होया अगर आप फॉरेस्ट कवर घटिया कितने फरीदकोट जिले के
ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਫੋਰੈਸਟ ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ 11.63 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਿਆ। ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਡਾਊਨ ਆਇਆ। ਈਅਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 1622 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਈਅਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ, 1592 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਐਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ। ਸਿਰਫ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੋਐਸਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ, 3.76%। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 6 point something ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ 3.67%, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਐਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਆਫਟਰ ਹਰਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਜਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ ਜਲ। ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੂਰਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ 2024 ਤੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਗੋਆ, ਗੋਆ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ, ਗੋਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿੱਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ 2024, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 35 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 35 ਲੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 35 ਲੱਖ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਮਾਰਚ 2022। ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 11 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਂ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਰੂਪਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਓ, 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ
ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਜਰ ਸਟੇਟਸ, ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ 10ਵਾਂ ਰੈਂਕ, 10th ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਮੇਜਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 22.54। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 22.54। ਵੈਸੇ ਸਕੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ 10th ਰੈਂਕ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਪਿੱਲਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 4 ਪਿੱਲਰ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਅਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਪ 10 ਅਮੰਗ 18 ਸਟੇਟਸ ਵਿਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਓਵਰ 1 ਕਰੋੜ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ 4th। ਟੋਪ ਸਟੇਟ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਪ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ 5.77 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ 5.41। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਟੋਪਸ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ, ਵਾਈਲ ਗੋਆ ਰੈਂਕਸ ਬੈਸਟ ਅਮੰਗ ਦੀ 7 ਸਮਾਲ ਸਟੇਟ। ਸਮਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਟੋਪ ਲਾਰਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ 4th ਰੈਂਕ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਾਰਚ 2022 ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਨਵਿਜੀਬਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ ਐਂਡ ਯੂਟਿਊਬ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਨਾਮ ਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? DTH, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲ। ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਯਮ ਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਯਮ ਦੀ ਕੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ। ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਰ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪ ਹੈ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ। ਉਡਾਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਟੂ ਰੇਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, GK ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ GK ਦੇ, ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈ, ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਟੂ ਰੇਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲ, ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GK ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ SARTI। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ SARTI? ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੋਲਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟੀਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸੋਲਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੀਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਕਰੈਕ ਡਾਊਨ ਓਨ ਪਰਪੀਟਰੇਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀਮੈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਟੈਕਲ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਕਸਪੇਡਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ SART ਟੀਮਸ, SARTI ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੰਟਰ ਵਾਰੰਥ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਂਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਂਝ। ਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ? ਸਾਂਝ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਆਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਆਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੰਟਰ ਵਾਰੰਥ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ, ਬਲੈਂਕਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੰਟਰ ਵਾਰੰਥ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਂਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੰਟਰ ਵਾਰੰਥ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਰੋਜ਼,
पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन रेड रोज है एक केड़ी की ना रिलेटेड है। सब तो पहला तो पंजाब पुलिस ना रिलेटेड है, सो ये रिलेटेड है अगेंस्ट दी स्मगलिंग ऑफ लिक्वर, अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ लिक्वर, सो एंड नॉट रिलेटेड है प्रोजेक्ट रेड रोज। तो ये याद रखना है। पिछली स्लाइड दोस्तों सी एजुकेशन डिपार्टमेंट दे सारे जिहड़े इनिशिएटिव है जिहड़े मेनली आपां जनवरी की गल करिए तां इत्थे ये सारी जिहड़ी स्लाइड है यह है पंजाब पुलिस नाल रिलेटेड। गल आपां शुरू की सी SART तो सैक्सुअल असोल्ट रिस्पोंस टीम तो जिहड़ी कि विमेन दे अगेंस्ट जिहड़े क्राइम है उन्हां दी जिहड़ी प्रोब है उन्हां दी जिहड़ी जांच है उन्हूं एक्सपीडाइट करन वास्ते ये टीम्स हैगी है। फिर अगर आपां पंजाब पुलिस की गल की तां प्रोजेक्ट विंटर वार्न तुहानूं पता होना चाहिए जिहड़ा कि पंजाब पुलिस की कम्युनिटी आउटरीच एक आरम है सांझ उन्होंने ये लॉन्च किया। फिर ऑपरेशन रेड रोज जिहड़ा कि पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ लिक्वर। सो आई होप तुसी बोर नहीं हो रहे होंगे, बहुत ही वधिया तरीके नाल जिहड़ा है वो आपां इंटरेस्टिंग तरीके नाल मैं तां कोशिश कर रहा कि आपां जिहड़ा ये सारा करंट अफेयर है उन्हूं आपां वधिया तरीके नाल करिए। ठीक है जी, चलो अगे चलते हैं जी। अगे है डीजी नैसट। नाउ वट इज दिस डीजी नैसट? डीजी नैसट की चीज़ है, देख रहे हो कि सीएम ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इन्हू लॉन्च कर रही है। सो अगर आप डीजी नैसट की गल करते हैं तो डीजी नैसट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा लॉन्च की गई एक मोबाइल ऐप जिड़ी की इनश्योर करेगी, इनश्योर करेगी डिजिटल एक्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी। सो पहला एक डायरेक्टरी आती होंगी सी ना, हार्ड कॉपी आती सी, उहदे च आपां एक एक नंबर आपां जिहड़ा है वो देखते सीगे। सो ये जिहड़ा है ये डीजी नैसट लॉन्च किया गया पंजाब गवर्नमेंट की कंप्लीट जिहड़ी डायरेक्टरी हैगी है। इहदे होर भी काफ़ी चीज़ा हैगियां, स्टाफ का काफ़ी ब्यौरा दिता जाएगा, उहदे जिहड़ा है स्टाफ के बर्थडेज वगैरह भी पता लग सकते हैं। सो ये सारिया चीज़ा हैगियां, ये किहदे अंडर हैगियां? ये है डीजी नैसट, डीजी नैसट, ठीक है जी, डिजिटल कौंसला जिवें आपां कह दिंदे आ। सो डीजी नैसट जिहड़ी है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कीती है। हुण एस दे भी रिलेटिड एक होर ऐप हैगी है जिंदे बारे तुहानू पता होना चाहिए, वो ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की PR इनसाइट। PR इनसाइट ये भी पंजाब गवर्नमेंट की एक ऐप है, ये कादे लई है? टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसिज जिहड़ियां होंदियां ना, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसिज, इन्हां सर्विसिज नूं एफिशिएंटली प्रोवाइड करवाउण वास्ते, एफिशिएंटली प्रोवाइड करवाउण वास्ते ये स्कीम है, ये एक ऐप हैगी है जिहदा नाम है PR इनसाइट। सो ये भी तुसीं ऐप जिहड़ी है ये तैयार च रखनी। नैक्सट चलते हैं जी, नैक्सट गल हैगी है PSPCL की। सो पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक जिहड़ा है वो टारगेट मिथ्या हैगा जिंदे च ये की करनगे इस पूरे साल दे विच, अगर आप गल करिए जनवरी 2021 तो लैके दिसंबर 2021 तक ये जिहड़े है ये स्मार्ट पावर मीटर्स जिहड़े है वो लगाएंगे। तो टोटल आ पूछा जा सकता है कि किन्ने मीटर का टारगेट जिहड़ा है वो रखिया है, वो टारगेट रखिया 96,000 मीटर का स्मार्ट एनर्जी मीटर है, ताकि जिहड़ा कोई ह्यूमन एरर है उन्हूं नलीफाई किया जा सके, उस चीज़ तो बचन वास्ते स्मार्ट पावर मीटर लगनगे 96,000 मीटर लगनगे इस साल दे विच। ठीक है जी, सो तकरीबन 2-2.5 करोड़ दे इहदी बजट सीगा, सो बजट नहीं पूछा जाता। सो इन्ना तुहानूं पता होना चाहिए कि किन्ने मीटर है जिहड़े PSPCL ने टारगेट रखे है, वह है 96,000 मीटर। नैक्सट गल करते हैं जी HF ब्रीड बुल्स। नाउ HF जिहड़ी ब्रीड है इहदे बारे तुसीं सुनिया होएगा खास करके, चलो मैं दस देना कोई गल नहीं। 4 सच बुल्स हैव बीन इंपोर्टेड बाय पंजाब, पंजाब गवर्नमेंट ने 4 जिहड़े HF ब्रीड के बुल हैगे है इन्हां नूं इंपोर्ट किया है। ठीक है जी, सो ये इंपोर्ट पहला तो यह पता होना चाहिए कि ये इन्होंने इंपोर्ट किया है, यह नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बाईपास होकर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है नैशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है जी, उस नाल किया है, उस दे नाल जिहड़ा है वो कोऑर्डिनेशन दे विच ये चीज़ की गई है। तो अगर आप गल करिए उन्होंने किहड़े मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिहड़ा मिशन है, ठीक है, वह मिशन की हैगा, वो मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऐश एस मिशन के तहत ये इंपोर्ट किए गए है जर्मनी तो। वैसे तो ये जिहड़े इस तरह के जिहड़े बुल होंदे ना HF ब्रीड बुल, ये नीदरलैंड भी जिहड़े है वो पाए जाते हैं, लेकिन जर्मनी तो जिहड़े इंपोर्ट ये किए गए है। इत्थे तुहानू HF की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए है, HF की फुल फॉर्म है होल्स्टीन फ्रेंसियन, ठीक है जी, ये HF की फुल फॉर्म होंगी है। सो ये भी पूछी जा सकती है, सो ये थोड़ा जिहड़ा है ये चीज़ आनी चाहिए है। ओके है जी, सो HF ब्रीड बुल्स अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
फिर गल करते हैं जी बसेरा, ये इंपोर्टेंट है स्कीम, ठीक है जी, ये स्कीम इंपोर्टेंट है। ये बसेरा जी स्कीम है ये जनवरी के लॉन्च की गई थी बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है जी। सो सीएम ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इन लॉन्च किया। सो इन्ह बारे अगर आप गल करिए तो यह है कि चीफ मिनिस्टर्स स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्लम डेवलपमेंट मतलब जिहड़े झुग्गी झोंपड़ी वाले हैगे है उन्होंने रीहैबिलिटेट करना, टू रीहैबिलिटेट स्लम डवैलर्स, जिहड़े स्लम डवैलर्स है जिहड़े झुग्गी झोंपड़ियां दे विच रहिंदे है उन्होंने पक्के मकान देने, उन्होंने उस जगह तो जिहड़ा है वह रीहैबिलिटेट करना, तो बाद मेनटेन भी करना कि प्रोपरली वो उत्थे रह रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज की होंगे वो वेच के आपका दुबारा फिर उस चीज़ से आ जाते हैं, कई बार ये चीज़ होंगी है। सो उस चीज़ को मेनटेन भी करना, तो ये बसेरा लॉन्च करन वाली पहली स्टेट गवर्नमेंट बनी है इंडिया चो, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है जी। सो इतने तुम देख भी सकते हो ग्रांट ऑफ प्रोपरेटरी राइट्स टू टू अनदर 3-5 स्लम हाउसहोल्ड अंडर बसेरा, ठीक है जी, टू बी कवर्ड बाय, कदों टारगेट है सितंबर तक का, चलो ये कोई नहीं, बट थोनू जी बसेरा स्कीम है ना उस बसेरा स्कीम बारे जो है वो थोनू पता होना चाहिए है। तो इतने थोनू ये भी पता होना चाहिए कि यह न्यू ईयर गिफ्ट सीगा जिहड़ा कि सीएम ऑफ पंजाब ने आपके फादर साहब जिहड़े कि जिन्हों का नाम है कि महाराजा यादविंदर सिंह, उन्हां दी याद दे विच जिहड़ी है इस स्कीम नू लॉन्च किया है। तो अगर आप पायलट डिस्ट्रिक्ट देखिए कि डिस्ट्रिक्ट दे विच इन्हां नू इस स्कीम नू लॉन्च किया जाएगा। सो उस स्कीम की अगर आप गल करिए मोगा दे विच ये पहला ही इंप्लीमेंट हो चुकी सी, जिवें आप कह रहे ना कि मोर इतने लिखे ना कि टू अनदर, अनदर मतलब होर, तो मोगा दे विच तां पहलां ही जिहड़ी है ये स्कीम जिहड़ी है वो हो चुकी सीगी। तो बाकी दी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो हैगी है बठिंडा, पटियाला ते फाजिलका, ये तीन जिहड़ियां है होर डिस्ट्रिक्ट, टोटल तुसीं चार डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो कि ये चार पायलट डिस्ट्रिक्ट है जिन्हां दे विच ये बसेरा स्कीम जिहड़ी है लॉन्च की गई है, बठिंडा पटियाला फाजिलका ते मोगा, ये चार डिस्ट्रिक्ट दे विच है बसेरा, ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं जी, अगे है घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। ये हुण इत्थे मैं तुहानूं फिर दसना चाहूँगा कि यह स्कीम आपां ऑलरेडी कर चुके हैं जदों आपां लेटैसट करंट अफेयर कर रहे थे, जदों ये स्कीम लॉन्च हुई सी तां आपां स्पैशली कीता सीगा पंजाब दे उहदा कि घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। इस स्कीम दे तहत एक प्रो पुअर स्कीम हैगी है, इस दे तहत FPS फेयर प्राइस शॉप जिहड़ियां है वह 7219 जिहड़ियां शॉप्स है वह पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़ियां है वह जिहड़े बेनीफिशरीज है उन्होंने अलॉट कीतियां, ते इस दे नाल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट किन्ने बेनीफिशरीज है स्कीम दे 30,000 जिहड़े लोग है वो उन्ने लोग जिहड़े है क्योंकि इन्हां दे अगा परिवार भी हो गए ना, तो 30,000 बेनीफिशरी जिहड़े है वो इन्दे विच जिहड़े है वो बेनीफिट इस चीज़ का लैणगे। हुण इत्थे मैं एक चीज़ होर तुहानूं दसना चाहूँगा कि आपां कहीए कि रोजगार की अगर आप गल करिए रोजगार के तहत होर की कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप गल करिए होर की कर रही है रोजगार वास्ते, तो रोजगार वास्ते अगर आप गल करिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक चीज़ होर कही सी कि 5,000 जिहड़े है वो नवे बस परमिट दिते जाणगे, 5,000 न्यू, ये अनदर स्कीम है, मैं स्पैशल लिख दी अदर स्कीम्स, मैं लिख देना अदर स्कीम्स रिलेटिड विद द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट की गल कर रहे हैं ना, तो 5,000 न्यू बस मिनी बस परमिट्स ये जिहड़े है ये जारी किए जाएंगे, ये यूथ नूं दिए जाएंगे, ठीक है, यूथ ऑफ द स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुनिटी, ठीक है, आ चीज़ भी की गई है। फिर पंजाब गवर्नमेंट की इदा की एक होर स्कीम हैगी है जिंदा नाम है अपनी गड्डी अपना रोजगार। ये स्कीम की सी, ये स्कीम वो सी कि जिहड़ा ओला उबर वगैरह जिहड़ियां टैक्सीज जिहड़ियां चलदियां उन्हां दे विच अगर कि पंजाब दा कोई यूथ जिहड़ा है वो आपदी गड्डी उहदे विच पाना चाहुंदा है तां गवर्नमेंट जिहड़ी है वो उहदे विच की करदी है उहनूं सबसिडी दिंदी है, ठीक है। सो उस चीज़ दा उहदे सीगा। फिर अगर मैं इत्थे आपां ओला उबर की गल कीती तां इस तों हट के, ठीक है, इस तों हट के मेरे माइंड च एक क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन का जवाब दिओ। वो क्वेश्चन ये है कि पंजाब ने ना रीसेंट दे विच एक अनाउंस किया सीगा, ये भी जनवरी च अनाउंस किया सीगा कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, न्यू इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च TNRI ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कितने बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा कपूरथला दे विच बनाया जाएगा, ठीक है, तो इसकी जिहड़ी लागत होएगी वो होएगी 18.5 करोड़।
18.5 करोड़ की लागत नाल कपूरथला दे विच इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ऑफ ड्राइविंग ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का इंस्टीट्यूट एक बनाया जाएगा। ठीक है जी। सो यह है कि किस चीज नाल रिलेटेड स्कीम्स रोजगार नाल रिलेटेड। फिर गल करते हैं जी, जिवें आपां शुरू तो गल की थी कि बाद फिर आप फीमेल दी स्कीम्स की गल करांगे। सो वो स्कीम है माता तृप्ता महिला योजना। सो माता तृप्ता महिला योजना थोनू पता होना चाहिए कि किस चीज़ नाल रिलेटिड है। ये है ये लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा टू एम्पावर दी वीमेन हैडिड हाउस होल्ड इन दी स्टेट। जो वो हाउस होल्ड जिहड़े जिन्हों की हैड जिहड़ी है वो वीमेन है, मे बी शी कैन बी विडो, शी कैन बी एनीथिंग एल्स, जिमें भी अगर आप कह सकते हैं, तो उन्होंने बेनीफिट लई जिहड़ी स्कीम ऑप्ट की गई है या गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है वह है माता तृप्ता महिला योजना। हुण इत्थे ना मेरा एक क्वेश्चन है तुहाडे लई, वो क्वेश्चन की है कि अगर आप गल करिए कि जिवें आप थोड़े दिन पहला करंट अफेयर के क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन सिगा कि शक्ति एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया, शक्ति डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया उड़ीसा दे विच जिहड़ा कि वीमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप वास्ते है, किया सिगा ना। ऐसे तरह का की कोई डिपार्टमेंट पंजाब दे विच भी हैगा, तो पंजाब दे विच कोई डिपार्टमेंट या कोई स्कीम हैगी है, तो वो अगर आप गल करिए बिल्कुल हैगी है, वो है माई भागो, माई भागो इस्त्री शक्ति स्कीम, माई भागो इस्त्री शक्ति स्कीम। ये जिहड़ी स्कीम है ना पंजाब गवर्नमेंट की, ये एनकरेज करन वास्ती है वीमेन कोऑपरेटिव्स नू या सैल्फ हैल्प ग्रुप्स नू, वीमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स इन्हां नू जिहड़ा है ये रिलेट करती है माई भागो इस्त्री शक्ति स्कीम। सो थानू ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर गल करते हैं जी एडवांस्ड वायरोलॉजी सेंटर। सो ये भी थोनू मैं फिर देखो थोनू मैं वारी वारी चीज़ तो कह रहा क्योंकि लेटैसट करंट अफेयर के नाल आपां इहनू रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थोनू कहिंदा हुंदा सीगा कि मैं नाल नाल ही पंजाब के करंट अफेयर करा रहा, लेकिन थोड़े सब की डिमांड सी कि नहीं सर सानू मंथवाइज या मंथवाइज चलो असीं कह ही नहीं सीगा कि वैसे सानू करंट अफेयर करवाओ, तो यह इनीशिएटिव है कि मंथवाइज आप करिए। इत्थे हुण थोनू मैं फिर याद करवाऊंगा आपां कीता सीगा कि NIV कित्थे है, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। जदों COVID-19 नवा नवा चलिया सी ना उदों मैं क्वेश्चन थोनू आया सीगा वो कितने हैगा पुणे दे विच है ना, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। उदों क्या गया सीगा कि इनकी एक सैकेंड ब्रांच खुलूगी नॉर्थ इंडिया दे विच, ते वो ब्रांच खुलूगी चंडीगढ़ या मोहाली दे विच या वो पंजाब दे विच। तां आपां गल करिए तां एडवांस्ड वायरोलॉजी सेंटर इज द स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मोहाली। सो तुसीं ये याद रखना है कि जिहड़ा नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उनकी ब्रांच नॉर्थ इंडिया के मोहाली के जोड़ा है खुलूगी, जिंदा नाम है एडवांस्ड वायरोलॉजी सेंटर। वायरोलॉजी तो समझ गए ना किन्दे बारे सर्च होएगी, वायरस बारे सर्च होएगी। सो अगर आप इतने गल कर रहे हैं ना, इतने दो होर मेरे क्वेश्चन है, अगर थोड़ा आँदी है तो तुम दसो, नहीं आते तो मैं आंसर दे दूंगा। ऐसे तरह का यह तो गल होगी स्टेट ऑफ आर्ट वायरोलॉजी सेंटर की, स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट। वैसे लास्ट ईयर की खबर है स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये कितने खोलिया जाएगा, स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट ये खोलिया जाएगा दोस्तों अमृतसर दे विच, अमृतसर। ठीक है जी। फिर मैं गल करा तो मैडिकल की गल कर रहे हैं, तो बजट दे विच सीगा तीन नवे मैडिकल खोले जाएंगे, थ्री न्यू मैडिकल। ये जो आप पंजाब का बजट किया ना उदों आप किया थ्री न्यू मैडिकल कॉलेजिज टू बी ओपन। सो हुण कहड़े-कहड़े कित्थे कित्थे खोले जाएंगे, मोहाली, होशियारपुर, मोहाली होशियारपुर ते कपूरथला, इन्हां तीन डिस्ट्रिक्ट दे विच तीन नवे जिहड़े मैडिकल कॉलेजिस है उन्हां नूं ओपन किया जाएगा। ठीक है जी। सो इत्थे तक आई थिंक ओके है। फिर गल करते हैं जी कमर्शियल पार्क्स, ये वो पार्क नहीं है घूमन फिरन वाले नहीं, कमर्शियल पार्क की होंगी है जिवें इंडस्ट्रियल कोरीडोर बनाया जाता है कि उत्थे इक्को जगह पर काफ़ी उस तरह दीयां इंडस्ट्रीज होणगीयां। सो नवे कमर्शियल पार्क्स हैगे है वुड पार्क, सो वुड पार्क थोनों पता ना वुड पार्क अगर आप कदे भी आरे की इंडस्ट्री की गल करते हैं तो हैगी है होशियारपुर के, करतारपुर है ना सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सो न्यू वुड पार्क की अगर आप गल करिए तो वह बनाया जाएगा होशियारपुर के। ऐसे तरह न्यू बल्क, ये बल्ड नहीं है बल्क है, न्यू बल्क ड्रग पार्क ये बनाया जाएगा बठिंडा दे विच, बहुत इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स वास्ते, न्यू बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा बठिंडा च। ते इंटीग्रेटेड फार्म पार्क IFP ये बनाया जाएगा फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट दे विच। ठीक है, होशियारपुर, बठिंडा ते फतेहगढ़ साहिब तीन नवे कमर्शियल पार्क बनाए जाएंगे, वुड पार्क होशियारपुर, बल्क ड्रग पार्क बठिंडा, इंटीग्रेटेड फार्म पार्क फतेहगढ़ साहिब दे विच।
ऐसे तरह मैं थोड़ा क्या सीखा कि वड्डी तो वड्डी छोटी तो छोटी न्यूज भी आप करांगे। सो ये न्यूज भी आप की है न्यू स्टैचूज जे है वो इंस्टॉल किए जाएंगे नवे स्टैचू स्टैचू देखते हो ना कई बार चौंक वगैरह से होंगे या हो रहा है तो दो स्टैचू की गल आ रही है लेटैस्ट के भगवान परशुराम ये जनवरी की गल आ रही है भगवान परशुराम जी का स्टैचू बनाया जाएगा लुधियाना दे विच ते सोहन सिंह पकना इन्हों का बनाया जाएगा अमृतसर दे विच। ठीक है सोहन सिंह पकना तुम्हें पता है गदर मूवमेंट नाल रिलेट करते हैं गदर मूवमेंट जी 1913 दे विच हुई थी स्टैटिक जी के पढ़ लेना इस बारे। सो सोहन सिंह पकना जी का जिहड़ा है वो स्टैचू बनाया जाएगा अमृतसर दे विच। सो अपॉइंटमेंट की गल करिए पंजाब दे विच कड़ियां इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रही जनवरी दे विच। सो जनवरी दे विच आ दो अपॉइंटमेंट सब तो इंपोर्टेंट रही पहली डायरेक्टर बनाए गए इंफॉर्मेशन एंड पीआर पंजाब दे इंफॉर्मेशन एंड पीआर इन्हें जिहड़े है नवे डायरेक्टर बनाए गए जिन्हों का जिहड़ा नाम है वो नाम है अनिंदिता मित्रा। सो ये मैडम हैगी है अनिंदिता मित्रा इन्हों बनाया गया नवा डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पीआर पंजाब दा। फिर वाइस चेयरमैन ऑफ पंजाब स्टेट प्लैनिंग बोर्ड PSPB कहते हैं पंजाब स्टेट प्लैनिंग बोर्ड एंड वाइस चेयरमैन इन्हों का टेन्योर एक्सटेंड किया गया मतलब पहला भी यही सके हूँ भी इन्हों का टेन्योर एक्सटेंड किया गया मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। ठीक है जी सो ये दो अपॉइंटमेंट सगिया जनवरी 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट पंजाब दियां लोकल अपॉइंटमेंट्स। फिर गल करते हैं जी ये सब तो इंपोर्टेंट है किड़िया किड़िया प्लेसिस न्यूज़ दे विच रहियां। ठीक है जी सो इन्दे च आपां वन बाय वन प्लेस देखांगे तुसीं ये दसना होएगा वैसा मैं लिखिया ही होया है कि वह कित्थे कित्थे वो प्लेसिस जिहड़ियां है वो हैगियां। ठीक है तो वह क्यों इंपोर्टेंट हैगियां क्यों न्यूज़ दे विच है पहली प्लेस है दोस्तों शाहपुर कंडी डैम ये डैम सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि यह कि रिवर पर है यह है दोस्तों रावी रिवर पर। ठीक है किन्ने मैगावाट का डैम है 208 मैगावाट का क्यों न्यूज़ दे विच है छोटी जी न्यूज़ सी न्यूज़ ये सी कि 60% वर्क पूरा हो चुकी है नैक्सट ईयर तक ऑपरेशनल हो जाएगा 60% ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटिड 60% वर्क जड़ा है वो कंप्लीट हो चुके है ता करके ये डैम न्यूज़ दे विच सीगा। शाहपुर कंडी डैम केड़ी रिवर ते है रावी रिवर ते है इत्थे तुहानूं पता होना चाहिए कि रावी रिवर ते सिर्फ यही डैम है होर केड़ा डैम है जड़ा रावी रिवर ते है तो रावी रिवर ते एक डैम हैगा जिहदा नाम है रंजीत सागर डैम जिन्हों की और जिन्हों आप कहने थेन डैम भी इनू जिहड़ा है किया जाता है यह पंजाब ते जम्मू कश्मीर का है जिहड़े दोनों स्टेटा जिहड़ियां है इहदे ते बेनीफिट लैणगियां। ते गल हुई सी शाहपुर कंडी डैम की 208 मैगावाट का 60% जिहड़ा काम है वह पूरा हो चुके है। ठीक है जी ये चीज़ अपनी तुसीं ध्यान च रखनी है। फिर नैक्सट गल करते हैं तलवंडी साबो पावर प्लांट। सो तलवंडी साबो जिहड़ा कि मानसा डिस्ट्रिक्ट दे विच आंदा है तलवंडी साबो पावर प्लांट ये क्यों न्यूज़ दे विच सीगा इन्ने जीते है दोस्तों अवार्ड किहड़े अवार्ड जीते है इन्ने दो अवार्ड जीते है कैटेगरी या किन्ना दे द्वारा ये तुहानू नोट्स दे विच मिल जाएगा वैसे तुसीं सुन लो कि इन्होंने किहड़ा जीते है दो अवार्ड जीते है वीमे एडिशन दे नैशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन कोरपोरेट गवर्नेंस नैशनल अवार्ड्स इन एक्सीलेंस या ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस जिहड़ा कि कौन प्रोवाइड करता है ये भी इंपोर्टेंट होंगे प्रोवाइड करता है ICSI की होंगे जी ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया CS की पोस्ट होंगी है ना कंपनी सैक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करते हैं नैशनल अवार्ड इन एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इस वारी 20th एडिशन सीगा ते उस जिहड़ी सैरेमनी है उनके विच दो अवार्ड जीते है तलवंडी साबो पावर प्लांट ने। सो तुहानूं पता होना चाहिए कि तलवंडी साबो पावर प्लांट जिहड़ा है वह कित्थे मौजूद हैगा। फिर गल करते हैं जी ये इंपोर्टेंट है मुबारक मंजिल पैलेस। ठीक है जिन्हों इहदा दूसरा नाम भी है जिन्हों कहते हैं मलेरकोटला पैलेस। ठीक है जी केड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच है संगरूर डिस्ट्रिक्ट दे विच है आ हैगा। ठीक है वैसे इस टाइम खंडर होया पिया इहनू खंडर होने तो बचाने वास्ते ही ये क्यों न्यूज़ दे विच सीगा
जनवरी दे विच पंजाब कैबिनेट ने अप्रूवल दिती सी एंड एक्विजिशन लई कंजरवेशन लई ते यूज लई पंजाब गवर्नमेंट इनू एक्वायर कर रही है इनू कंजर्व करेगी ते प्रोपर इंदा किसी ना किसी तरीके नाल एज ए म्यूजियम या होर है तां इंदा यूज किया जाएगा। सो तां करके ये न्यूज़ दे विच सीगा क्यों कंजर्व किया जाएगा, ओबवियस गल है टू प्रिजर्व द ग्लोरियस हैरीटेज ऑफ द स्टेट। ये क्यों, तुसी हिस्ट्री पढ़ी होएगी, तुसी अगर थोनू याद है तो मलेरकोटला दे जिहड़े नवाब सीगे ना जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दे चार साहिबजादियां नूं जिहड़ा नीयां च चिनवाण दा ऑर्डर होया सीगा तां जिहड़ा सरहंद दे जिहड़े नवाब सीगे उन्हां दा पुरजोर विरोध कीता सीगा मलेरकोटला दे नवाब ने। सो इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां नूं जिहड़ा है इस चीज़ का जिहड़ा है वह प्रशंसा पत्र भी भेजा सीगा। तां करके मलेरकोटला जिहड़ा है काफ़ी इंपोर्टेंट रहिंदा, मलेरकोटला दे जिहड़े नवाब सीगे उह इंपोर्टेंट है, उन्हां दा ही ये किला है जिहनूं कहिंदे आ मुबारक मंजिल पैलेस। सो ये न्यूज़ दे विच है जी, इहनूं मलेरकोटला पैलेस भी कहिंदे आ जिहनूं हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिहड़ा है वह एक्वायर करे। ओके नैक्सट चलते हैं जी, एंशियंट टॉम्स ऑफ मुहम्मद मोमीन ये कित्थे हैगी है जी, ये है नकोदर दे विच, ठीक है। सो ये जिहड़ा ये सिंपल जी एक छोटी जी न्यूज़ सीगी, ये क्यों इहदे ये जिहड़े टॉम्ब हैगी है ना ये इहदा टॉम्ब है ते इहदा जिहड़ा पुपिल सीगा जिहदा नाम है हाजी जमाल, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट भी हाजी जमाल दे नाम ते ही है आ जिहड़ा तुसीं टॉम्ब देख रहे हो ना कोई फोटो करवा रहा है कोई अपने वर्गा। सो ये हाजी जमाल दा है, हाजी जमाल, ठीक है जी। ये जिहड़ा टॉम्ब हैगी है ना, टॉम्ब समझ गए ना टॉम्ब की हुंदा है। सो ये टॉम्ब हैगी है इन्हां नूं हुण नकोदर दे विच हैगी है ते इहनूं लुक आफ्टर करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का सब तो पुराना डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिहड़ा कि अलैगजेंडर कंगिंगम ने बनाया सीगा। सो ASI जिहड़ा है इहनूं हुण टेक ओवर जिहड़ा है वह करेगा, इसे करके ये इंपोर्टेंट सीगा। तुसीं सिर्फ याद रखना है कि ये कित्थे हैगा, ये हैगा नकोदर दे विच। हुण गल करदे आं जी इकनोमी रिलेटिड न्यूज़ की, पंजाब दी इकनोमी रिलेटिड दो न्यूज़ है जिहड़ियां जनवरी दे विच इंपोर्टेंट रहियां। पहली न्यूज़ कोऑपरेटिव बैंक जिंदा तुसीं फॉर्म भी शायद भर रहे होंगे, उनकी जिहड़ी न्यूज़ है वह है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक ने यह डिसाइड किया सीगा जनवरी दे विच कि ऐसे फाइनैशियल ईयर दे विच 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिहड़े है उन्हां नूं ये आपदे अंदर की करेगा अमलगमेट करेगा, ठीक है। सो ये तुसीं ध्यान च रखना है, ताहीं शायद इन्नियां पोस्टां भी आईयां। सो 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नूं आपदे च अमलगमेट कीता है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक ने। दूजी न्यूज़ सीगी नबार्ड दे नाल रिलेटिड, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट। सो नबार्ड ने एक रिपोर्ट सीगी उहदे विच पंजाब दा नाम आया तां करके आपां रिपोर्ट लिती, पंजाब ने पंजाब बारे किया नबार्ड ने, नबार्ड हैज़ प्रोजेक्टिड अ क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ 2.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 फिस्कल अंडर PSL दैट इज प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग इन द स्टेट ऑफ पंजाब, कि पंजाब स्टेट नूं प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग जिहड़ा तुहानूं पता है ना बैंक जिहड़े है 40% उन्हां नूं जरूरी हुंदा है कि वह प्रायोरिटी सैक्टर नूं लाइक एग्रीकल्चर लाइक एजुकेशन लोन लाइक MSME इन्हां नूं जिहड़ा है वह प्रायोरिटी सैक्टर दे विच जिहड़े प्रोपर क्रैडिट देण वास्ते पंजाब नूं किन्नी लोड़ होएगी 2.5 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट होएगी। ये जस्ट ने एक प्रोजेक्ट किया सी नबार्ड ने। फिर गल करदे आं जी अवार्ड एंड ओनर दी, अवार्ड एंड ओनर दे विच गल करदे आं द सिख 100। नाउ व्हाट इज दिस सिख 100, ये सिख 100 दोस्तों की चीज़ है, एक लिस्ट होंदी है जिन्हों जड़ा है हर साल या टाइम टू टाइम जड़ा है एक ग्रुप है द सिख ग्रुप, जिहड़ा सिख ग्रुप है ये अनाउंस करता है लिस्ट नूं द सिख 100। ये कोई पहली बारी नहीं है, इस बारी इहदा 9th एडिशन सीगा, इस जनवरी 2021 दे विच इहदा 9th एडिशन जिहड़ा है वह लॉन्च किया गया। इहदे विच जिहड़े कि पूरी दुनिया दे विच अगर आपां गल करिए तां जिहड़े सिख बहुत वधिया जिहड़ा है वह एक्ट कर रहे हैं काम कर रहे हैं, सो उहनां दी एक लिस्ट जिहड़ी है वह दित्ती जांदी है। सो इस बारी इस लिस्ट दे विच फस्ट पोजिशन किन्ना दी आई, फस्ट पोजिशन, ठीक है, पहलियां तीन पोजिशन आपां मेनली करांगे। फस्ट पोजिशन आई जी ध्यान च रखना है ज्ञानी कुलवंत सिंह। सो ज्ञानी कुलवंत सिंह जी पहला तुहानूं पता होना चाहिए कौन हैगी है, ज्ञानी कुलवंत सिंह जी जत्थेदार हैगी है उफ तख्त श्री हजूर साहिब दे, हजूर साहिब जी दे जिहड़े तख्त दे ये जत्थेदार हैगी है ज्ञानी कुलवंत सिंह, इन्हां दी फस्ट पोजिशन इन्हां ने रखी। सैकेंड पोजिशन की गल करते हैं जी, सैकेंड पोजिशन ते रहे बीबी जागीर कौर। कौन ने जी बीबी जागीर कौर, बीबी जागीर कौर इज द करंट प्रेजिडेंट फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल जिहड़ा प्रेजिडेंट हैगी है SGPC दे, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी।
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ठीक है जी सी एम ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये थर्ड पोजीशन पर है उस तो बाद अगर आप गल करिए एस 100 की लिस्ट के नवजोत सिद्धू जी का नाम भी सीगा नवजोत सिंह सिद्धू इन्हों का नाम भी सीगा ते सिंगर दिलजीत दोसांझ इन्हों का नाम भी सीगा दिलजीत दोसांझ ठीक है जी इन्हों भी फीचर किया गया एस लिस्ट के फिर एक गल करते हैं जी एक फाउंडेशन है एक एनजीओ है जिंदा नाम है पटियाला फाउंडेशन सो पटियाला फाउंडेशन ने ना एक जिहड़ी बुक लॉन्च की सी वो काफ़ी इंपोर्ट काफ़ी जिहड़ी है न्यूज़ च रही सी जिंदा नाम है चिल्ड्रन चलान बुक चिल्ड्रन चलान बुक इस बुक नू ना ईवन यूएन की एक एजेंसी है यूएन इकोसोक गल की हुई है ना आप यूएन जी है वो इकनोमिक एंड सोशल काउंसिल सो उन्होंने भी इनू रैकोगनाइज किया एनू रीसेंट के ना न्यू दिल्ली के जी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन्होंने अवॉर्ड दिता है इस बुक न चिल्ड्रन चलान बुक तो इस अवॉर्ड में जोड़ा है लैन कौन गए थे रवि सिंह आहूवालिया फ्रॉम द पटियाला फाउंडेशन सो ये तुम याद रखना है दिस इज़ दी अवॉर्ड एंड ओनर सैक्शन इन द जनवरी 2021 इन द पंजाब करंट हूँ आप लास्टलियाँ चार या पाँच जिहड़ियां है वो आप मिसलेनियस न्यूज़ करते हैं जिस नाल आप फिर इस लैक्चर में जोड़ा है वो एंड करांगे सो पहली मिसलेनियस न्यूज़ है जी के आर लखनपाल कमेटी के आर लखनपाल कमेटी जी की गल करिए के आर लखनपाल वाज दी फॉर्मर चीफ सैक्रेटरी ऑफ पंजाब उन्हां दी अध्यक्षता दे विच ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी सैटअप की सी जिंदी रिपोर्ट आई सी अप्रैल 2020 दे विच लेकिन ये जनवरी दे विच भी ये न्यूज़ दे विच आ रही सी क्यों आ रही सी क्योंकि रीसेंट दे विच तुसीं देखिया होएगा कि पंजाब ने यह अनाउंस किया है कि जिहड़ा सिक्स पे कमीशन है वो एम्पलॉइज़ नूं दिता जाएगा ठीक है सो उहदे तहत एक कमेटी न्यूज़ दे विच रही जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी फॉर्मर चीफ सैकटरी के आर लखनपाल जी की कमेटी उन्होंने एक पॉइंट आउट किया कि हरियाणा पेज सैलरीज इक्विवेलेंट टू सेंटर बट पंजाब पेज अबाउट 25% मोर सैलरी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ठीक है जी चलो इस तरह की इन्होंने जी फीडबैक है या जी रिपोर्ट है वो दी सी इतने मैं थोड़ा एक चीज़ होर दसदा बड़ी एक स्ट्रेंज भी है पंजाब जिहड़ा आपका कंप्लीट खर्चे चो ना थोड़ा जान के हैरानी होएगी 45% सैलरीज से पेंशन से जोड़ा है वह लगा है सैलरीज एंड पेंशन 45% जोड़ा अमाउंट है वो इन्हों पर जाता है सैलरीज से पेंशन पर ठीक है जी के आर लखनपाल कमेटी से ध्यान च रखिए फिर गल करते हैं जी ODF प्लस स्टेटस आ ODF प्लस कट्ठा है ठीक है ODF प्लस स्टेटस ना ODF की है ODF की होंगे ओपन डेफिकेशन फ्री ठीक है जी खुले शौच तो मुक्त हूँ थोड़ा टाइम पहला तो अगर आप गल करिए जदों 2014-15 एक लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान उदों का क्या गया सी भी इंडिया नूं आपां ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है बाद च आपां घोषणा भी करती भी ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बन चुके है ठीक है जी सो लेकिन उस तो बाद एक ना स्टेटस दिते जाण लग गए भी हले टारगेट जिहड़ा है वह इत्थे ही नहीं खत्म हो जाता कि आपां ओपन डेफिकेशन फ्री बन गए दैट्स ऑल हुण जिहड़े टॉयलेट बनाए सीगे उस टॉयलेट का रख रखाव भी तो करना है ना इदां दा नहीं भी वो टुटे फुटे रहन ते उहनां दी कोई मेंटेनेंस ही ना हो फिर जिहड़ा लिक्विड एंड सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुंदी है उन्हों भी प्रोपर तरीके नाल करनी है फिर जिहड़े पिंडां दे विच शौचालय जिहड़े बनाए गए है उन्हां दी रख रखाव किवें होएगी जे उन्हां नूं जिहड़ा MG नरेगा स्कीम है महात्मा गांधी नैशनल रूरल अर्बन जिहड़ा है इंप्लॉयमेंट गरंटी योजना उन्हें नाल जोड़ दिता जाए तो रख रखाव भी हो सकता है सो इन्हां सारियां चीज़ां नूं जिहड़ा भी विलेज या जिहड़ा भी वो एरिया है वह उन्हूं प्रोपर तरीके नाल मेनटेन करता है तो उन्हूं स्टेटस दिता जाता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस द स्टेटस हजे वैसे ओपन डेफिकेशन फ्री डबल प्लस का स्टेटस भी आएगा वो कदों आएगा जदों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे सो
सॉरी सो एक बार जो स्टेटस है वह दिता जा रहा है ODF प्लस का स्टेटस रीसेंट के अप्रैल 2021 की गल करिए अबोहर में दिता गया है ठीक है जी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट अबोहर आता है अबोहर में यह स्टेटस दिता गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का स्टेटस तुम इतने यही समझना कि अबोहर हूँ ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया वह तो पहला ही होया हुआ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का स्टेटस जो है वह दिता गया कि उत्थे जो टॉयलेट है उन्होंने प्रोपरली मेनटेन भी किया जा रहा है ठीक है जी बाकी नोट्स के होर डिटेल अभी दी हुई है तुम उन्हें पढ़ लेना फिर गल करते हैं जी विंटर बर्ड्स काउंटिंग की ठीक है ये इंपोर्टेंट है एक ही चीज़ है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रेजरवेशन ऑफ पंजाब इन्होंने WWF इंडिया नाल मिलके ठीक है जी यानी कि जो पंजाब का है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैं वाइल्ड लाइफ लिख देना सिर्फ वाइल्ड लाइफ ठीक है जी प्लस WWF इंडिया WWF समझ गए ना रैसलिंग फैडरेशन नहीं वर्ल्ड वाइड फंड जिहड़ा नेचर वास्ते वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया इन्हां दोनों ने मिलकर एक जिहड़ा है वह स्टेटस कढ़नगे वाटर बर्ड्स की जिहड़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तुसीं देख रहे हो ना विंटर दे विच जिहड़े माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ये हर साल जनवरी दे विच सेंसस जिहड़ी है वह की जाती है तो इहदे नाल एक होर NGO भी इनवॉल्व हुंदा है जिहदा नाम है वैटलैंड इंटरनेशनल ठीक है जी वैटलैंड इंटरनेशनल हूँ इतने क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि जी है ये सेंसिस की गई सेंसिस तो हर साल ही जनवरी के होंगी है इतने गल आएगी वैटलैंड्स ऑफ पंजाब किन्ने है नैचुरल वैटलैंड ठीक है नैचुरल वैटलैंड ऑफ पंजाब किन्ने है तो उन्होंने किन्ने रामसर साइट है रामसर साइट्स वैसे तो मैं थोड़ा ये जो आप पंजाब करंट अफेयर का पार्ट नंबर 1 किया मैं करवा चुके हैं नैचुरल वैटलैंड ऑफ पंजाब किन्ने 12 तो उन्होंने रामसर साइट किनिया है 6 जिहड़ियां है पंजाब दियां रामसर साइट है उन्होंने नाम थोड़ा पता होने चाहिए मैं ऑलरेडी करवा चुके हैं सो मैं इतने दोबारा नहीं करवा रहा ठीक है ये थोड़ा पता होने चाहिए है कि किहड़े 6 वैटलैंड है जिन्होंने रामसर साइट का टैग मिले 2020 के ना 3 नवे मिले से पहला 3 ही होंगे सके तो 2020 की जी 2 फरवरी होंगे ना नैशनल वैटलैंड इंटरनेशनल वैटलैंड डे उदो 3 होर मिले से करके आप चीज़ ऑलरेडी की हुई है ठीक है जी फिर अपनी ऑलमोस्ट जी है वो लास्ट है न्यूज़ वो है सुखी भैन जी सो ये सुखी भैन जी की चीज़ है जी ये है मैस्केट पंजाब गवर्नमेंट का मैस्केट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब दे विच दी हेल्पफुल आंगनवाड़ी वर्कर जिमें होस्पिटल दे विच होंदा ना आशा वर्कर सो आंगनवाड़ी वर्कर की अगर आप गल करिए पंजाब का मैस्केट की है सुखी भैन जी जिहड़ा कि प्रमोट करेगा न्यूट्रीशन एंड सैनीटेशन ठीक है जी न्यूट्रीशन एंड सैनीटेशन नू प्रमोट करन वास्ते पंजाब दे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दे जिहड़ियां आंगनवाड़ी वर्कर हुंदियां है उन्हां दा एक मैस्केट है सुखी भैन जी दे नाम ते सो दोस्तों ये सीगा अपना जनवरी महीने का करंट अफेयर हुण तुसीं थोड़ा जिहा टेंशन लै रहे होंगे कि बाकी किवें होएगा तो बाकी भी होएगा मोर करंट अफेयरस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब फैबररी का करांगे आपां नैक्सट वीक बट ओनली ऑन ऐप ओबियसली गल है ऐप के उपर आप करांगे थोड़े पेड कोर्स के सो नैक्सट वीक होएगा फैबररी 2021 का मार्च 2021 ते अप्रैल 2021 ये 2 महीनों का आप करांगे करंट अफेयर कोर्स जनवरी 2021 के नाल ते मई ते जून का इसे तरह आप करांगे 2 लैक्चर्स के इन दी करंट अफेयर कोर्स ऑफ जुलाई 2021 ते ये सारा कुछ थोनू इन दी सारी PDF हैंड रिटन PDF सारी थोनू कित्थे मिलेगी रेस अकैडमी ऑफिशियल ऐप ते ओके है जी सो इतने मैं थोनू दस्या सीगा कि तुसी सिर्फ ते सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जिहड़ा लैक्चर है उन्हूं इस बारे आपके जिहड़े फ्रेंड्स है उन्हां नूं भी दसना है ठीक है ताकि जिहड़ा है किसी की भी स्टडी दे विच गैप ना पवे ते जिहड़ा मंथली करंट अफेयर का कोर्स है वह लैके ते बहुत ज़्यादा बेनीफिट जिहड़ा एक नोमिनल अमाउंट विच बहुत बेनीफिट जिहड़ा है वह प्रोपरली उस तरीके नाल लै सकन ठीक है जी सो इसे तरह लैक्चर जिहड़े है वह आते रहेंगे कल फिर आप ऐप ते मिलांगे जिंदे च आप लेटैसट करंट अफेयर का जिहड़ा कोर्स है वह आप कंटिन्यू करांगे ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मिलते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लैस